हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा माउंट आबू के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को दबा लें ताकि जो भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं जो भी आपको डिस्टेंस बताऊँगा वो जयपुर से माउंट आबू के बीच में बताऊँगा, क्योंकि हम लोग जयपुर से माउंट आबू गए थे। फिर अपन बात करते हैं दूरी की। जो माउंट आबू का जो दूरी है जयपुर से, वो 490 किलोमीटर है। आप यहाँ पर बाय रोड भी जा सकते हो, बाय ट्रेन भी जा सकते हो और बाय एयर भी जा सकते हो। अगर आप बाय रोड जा रहे हो तो आपको अजमेर पाली सिरोही होते हुए वाया NH 48 के द्वारा आप माउंट आबू जा सकते हो। और अगर आप ट्रेन से जा रहे हो तो जयपुर से माउंट आबू के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, तो आप उसमें भी जा सकते हो। अगर आप बाय एयर जा रहे हो तो जो माउंट आबू का जो सबसे नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो उदयपुर के अंदर है, और एयरपोर्ट से 210 किलोमीटर दूर है माउंट आबू, जो वहाँ से आप टैक्सी भी कर सकते हो या बाय रोड भी आप जा सकते हो। अगर अपन होटल्स की बात करें तो होटल्स आपको आबू रोड पे भी मिल जाएगा अच्छी रेंज के अंदर, और आपको ऊपर अगर आप माउंट आबू के अंदर लेना चाहते हो, जैसे नक्की झील के पास में लेना चाहते हो, तो वहाँ पर भी आपको ठीक ठाक रेंज में मिल जाएगा। जो कि अगर अपन रेट की बात करें तो वहाँ पर 1500 रुपये से आपको अच्छा रूम मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी अपर रेंज में तो आप कितना भी जा सकते हो। माउंट आबू घूमने के लिए कम से कम आपको 2 दिन चाहिए। इन 2 दिन के अंदर आप पूरे माउंट आबू को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो सकता है, कभी बारिश कभी धूप, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर अपन खर्चे की बात करें तो आप माउंट आबू 3000 से लेकर 5000 के बीच में आराम से आप माउंट आबू घूम सकते हो। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि माउंट आबू में कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो।